नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस मौत का जिम्मेदार कौन? सरकार भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन कई बार जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। बाराबंकी से एक ऐसी ही शर्मनाक घटना सामने आई जिसे सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर रखती है। दरअसल यहाँ एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई और सरकारी व्यवस्था ने एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस खबर का पूर्ण विश्लेषण भी करेंगे। जैतपुर की सीएचसी में एक गर्भवती महिला को भर्ती कराया जाता है, जहां उसकी हालत बिगड़ने पर देर रात उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब एम्बुलेंस नहीं आती तो महिला के परिजन निजी वाहन की तलाश शुरू कर देते हैं, पर तब तक दर्द से छटपटा रही गर्भवती महिला दम तोड़ देती है। महिला जैतपुर थाना क्षेत्र के मीनापुर मजरे मौथरी निवासी किसान मनोरथ की पत्नी थी, जिसकी उम्र महज 32 साल थी। जानकारी के मुताबिक जब महिला को सीएससी ले जाया गया था, तब वहां उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला महिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था, पर वहां मौजूदा एक महिला स्टाफ नर्स ने नॉर्मल डिलीवरी कराने का झांसा देकर महिला को वहीं रोके रखा। वहीं जब गर्भवती महिला की हालत बिगड़ने लगी तो महिला के परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए सरकार के टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। जब दोबारा कॉल किया गया तो उधर से बताया गया कि एम्बुलेंस बस पहुंचने ही वाली है, पर फिर भी एम्बुलेंस पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। परिजनों के मुताबिक जिस एम्बुलेंस के पहुंचने के बाद कॉल सेंटर की तरफ से बताई जा रही थी, वो एम्बुलेंस सीएससी के बाहर ही खड़ी थी। परिजनों ने जब एम्बुलेंस चालक को चलने के लिए बोला तो चालक ने कहा कि गाड़ी में डीजल नहीं है, जिसके बाद परिजन निजी वाहन की तलाश में जुटे ही थे, पर तब तक गर्भवती महिला की मौत हो गई। पूरा मामला मैंने यहाँ से आशा बहू को लेकर अस्पताल पहुँचा, अस्पताल में लेके गया, वहाँ पे जो कार्य किया भर्ती लिया, और जो भर्ती लेने के बाद में वहाँ से जब सीरियस हुआ मरीज को तो वहाँ रिफर किया, हमने को रिफर करने के बाद में एम्बुलेंस 2 वहाँ पे खड़ी थी मौजूदा वजह से नू, उसने बोला, हमने कहा भाई ले चलो मेरे पेशेंट को, दिक्कत हो रही है, बोला कि मेरे गाड़ी में तेल नहीं है, एक बोला कि मैं जो है आने जा रहा हूँ मरीज, उसमें से भाग गए। मैंने 2 मोबाइल थे, डॉक्टर को बोला सबको, तो उसने कहा कि नंबर लगाओ, मोबाइल लगाओ, सब 176 सब जितने नंबर थे हमने सब डायल किया, फिर भी कोई एम्बुलेंस नहीं आई। जिसके बाद नाराज परिजनों ने सीएससी पर जमकर हंगामा काटा, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाने बुझाने की काफी कोशिश की। वहीं महिला के परिजनों ने जब पूरे मामले की शिकायत सीएमओ से की तो उन्होंने वही रटे रटाए शब्द सुना दिए। क्या कुछ कहा है इन महानुभव ने, जरा आप भी सुनिए। जी हाँ, एक प्रसूता के मौत की सूचना मिली है, उसमें प्रसूता का नाम श्रीमती है, उम्र लगभग 30 साल, और पति का नाम है श्री राम मनोहर। जैसा कि बताया गया है कि ये लगभग 1:15 पर OPD में आई थी और 1:45 के आसपास इनको भर्ती किया गया था डिलीवरी के लिए, लेकिन डिलीवरी में कुछ महिला चिकित्सक द्वारा देखा भी गया था, डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस उनके द्वारा बताया गया था कि दिक्कत है, और उनको रेफर किया जा रहा था वहाँ से। तो शुरुआत में तो उनके पति द्वारा ये कहा गया कि आप यहीं पर रख लीजिए, और चिकित्सक की देख रेख में ही थी। इन द मीन टाइम रेफर करने के साथ में एम्बुलेंस को बुलाने की बात हुई थी, और एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आई थी उनके रिस्पांस टाइम में। जैसा कि अभी बताया गया कि एक एम्बुलेंस में आने में जो समय लगना चाहिए लगभग रिस्पांस टाइम 15 मिनट के आसपास का, उसमें काफ़ी देरी हुई, और इस बीच में मैनेजमेंट के बावजूद जो है मृतका की वहीं पर डेथ हो गई। इसमें प्रथम दृष्टया जो सूचनाएं अभी प्राप्त हुई हैं, सूचनाएं संकलित की जा रही हैं, और विस्तृत विवरण तो
जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है कि एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम में जो है पहुंचने में देरी के कारण ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो एक और प्रमुख कारण है मृतका की डेथ का। वही जब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है तो हर कोई निःशब्द रह जाता है, बस मन में एक सवाल उठता है कि क्या सरकार इन घटनाओं पर कोई संज्ञान लेगी या इसी तरह से ये घटनाएं नाम और जगह बदल बदल कर यूं ही घटती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और इलाज के अभाव में दम तोड़ती ये तस्वीरें कोई नई नहीं है, इससे पहले भी ऐसी तमाम तस्वीरें यूपी के कई जिलों से सामने आ चुकी है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी बाराबंकी से रविंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है, क्या एक्शन लिया गया है? बता दूं, सरकार करोड़ों रुपए जो है इन गरीबों के लिए सुख सुविधा के लिए मुहैया कराती है, लेकिन धरातल पर वो बिल्कुल व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। वो ऐसे कर्मचारी होते हैं या डॉक्टर हो, लगातार लापरवाही करते हैं। डॉक्टरों को हर सुविधा दी जाती है कि हर गरीब आने वाला जो भी यहाँ पर चेकअप कराता है उनको हर अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाए, इसके लिए सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है। लेकिन जो ये जैतपुर सीएससी से मामला सामने आया है, यह बिल्कुल सरकार की मनसा पर पानी फेर रहा है। यहाँ की एक 30 वर्षीय गरीब परिवार की एक महिला डिलीवरी के लिए आती है और उसको देखा जाता है, काफी देर तक उसको सीएससी में रखा जाता है। रखने के बाद उसे केवल गंभीर हालत बताकर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है, लेकिन गरीब परिवार है, उसके पास इतनी जानकारी भी नहीं है। जितनी जानकारी थी उतनी उसने जो है की और एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन लगातार एम्बुलेंस अस्पताल पे खड़ी रही जी। लेकिन लगातार उनसे डायरेक्ट संपर्क करने के बाद भी वो डीजल की बात, कहीं की समस्या की बात, इवेंट की बात बताते रहे, लेकिन उनकी मदद करने के लिए वहां पर मौजूद किसी ने नहीं सोचा कि गरीब परिवार है, महिला की मौत भी हो सकती है, वो दर्द से तड़प रही है सीएससी पर। इसी को लेकर जब एम्बुलेंस नहीं आई तो इस गरीब परिवार ने प्राइवेट गाड़ी की व्यवस्था करने की सोची, उसके लिए वो कस्बे में गए, कई लोगों से संपर्क किया, लेकिन वो भी गाड़ी नहीं मिल पाई। इसी दौरान इस तड़प रही महिला की, जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी महिला, उसकी मौत हो गई। बिल्कुल रविंद्र, लेकिन अगर इस पूरी खबर की हम बात करें तो इस पूरी खबर में ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि जिस एम्बुलेंस को परिवार द्वारा कॉल किया गया था वो एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर ही खड़ी थी, और जब एम्बुलेंस चालक से पूछा गया तो उसने ये कह दिया कि डीजल नहीं है एम्बुलेंस में, जिस वजह से वो नहीं जा सकता। ऐसे में एक आम इंसान करे तो क्या करे? अस्पताल की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है, क्या कोई बयान सामने आया है, क्या अस्पताल अपनी गलती मान रहा है? और वो जो नर्स, वो जो सिर्फ ये झांसा दे रही थी कि वो नॉर्मल डिलीवरी महिला की करवा देगी, लेकिन उसी के अभाव में महिला ने दम तोड़ दिया, क्या उस पर कोई एक्शन लिया गया? काजल बता दूं, इस पर जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामजी वर्मा से इस पूरे मामले पर संपर्क किया गया तो उन्होंने वही जो हमेशा जवाब दिए जाते हैं, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आखिर ये जांच कर कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई पहले से होती तो ऐसी बात सामने नहीं आती और एक गरीब परिवार उजड़ने से बच जाता। जो महिला जिसकी मौत हुई है उसका एक 7 साल 8 साल का बच्चा है, अब दूसरी डिलीवरी उसकी थी, परिवार पूरा उजड़ चुका है, घर में कोहराम मचा हुआ है, अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, लगातार कोई शिकायत आती है तो वही रटा रटा है जवाब देकर। बिल्कुल, और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल ये जो मामला है वो बाराबंकी से सामने आया है, और बाराबंकी में लगातार ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ ये कागजों में किया जा रहा है, क्योंकि जमीनी हकीकत तो इस मामले से उजागर हो रही है। देखिए, जब न्यूज इंडिया की टीम ने सीएमओ से, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, इस पूरे बाबत जो जानकारी इकट्ठा करने की बात की गई उससे बात की तो उन्होंने यही बताकर केवल पल्ला झाड़ लिया कि जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे, जो जांच में नाम सिक्किम निकल कर सामने आएंगे। आखिर वो एम्बुलेंस को वहां पर खड़ी थी, उसी एम्बुलेंस की इवेंट जा रही थी कि यार वो एम्बुलेंस पहले से ही खराब थी या डीजल नहीं था, वो वहां पर खड़ी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि एम्बुलेंस कोई अस्पताल में होती, दूसरी एम्बुलेंस खराब हो जाती तो उसको अस्पताल में खड़ा कर दिया जाता है, और परिजन समझते हैं ये एम्बुलेंस खड़ी है तो जा सकती है, लेकिन पहले से तकनीकी खराबी की वजह से हो सकता है वो वहां से खड़ी हो। तो इस पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच की बात कही है, जांच के बाद यहाँ प्रभावी
कार्रवाई की यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं निजी को। बिल्कुल रविंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बाराबंकी का ये पूरा मामला है और ऐसा अस्पतालों में अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है, जहां पर कई बार एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी गरीब परिवारों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। कई बार वो निजी वाहन से पहुंचते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। अस्पतालों की भी लापरवाही लगातार सामने आती है। फिलहाल अस्पताल के जो सीएमएस होते हैं, जो सीएमओ होते हैं, वो अपनी बात से, अपने बयानों से मुकरते हुए नजर आते हैं और हिलावाली करते हैं। लेकिन ऐसे में एक गरीब परिवार की महिला जिसकी मौत हो गई, जिसका एक मासूम बच्चा भी है, आखिर उस बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो सामने खड़े होते हैं। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है लेकिन इंसाफ कब तक मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी।